हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन टू द टेबल। आई एम योर होस्ट रिया रॉय और आज हम लोग बनाने वाले हैं बंगाली पुलाव, जिसे बासुंती पुलाव भी बोलते हैं। तो चलिए रेसिपी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बंगाली पुलाव के लिए यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले 200 ग्राम गोविंद भोग राइस, या फिर आप पुलाव राइस भी ले सकते हो। इसे मैंने 1 आवर के लिए सोक करके रखा है। 1/4 कप मूंगफली, यहाँ पे लिया है 1/4 कप कैशू नट्स काजू, और यहाँ पे लिया है 1/4 कप रीजन्स किशमिश, यहाँ पे 1/4 कप है शुगर चीनी, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कार्डमम, इलायची 2 से 3 बेलीफ, तेज़पत्ता 1 से 2, सिनेमन, दालचीनी 1 इंच टुकड़ा, और ले लिया है थोड़े से क्लोव्स 1 से 2 लौंग। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैं एक बोल में क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून यहाँ पे मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी देके। यही मेन मसाला है जो पुलाव का टेस्ट और भी इन्हेंस करेगा, तो इसको हम लोग घोल के यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर जो चावल हमने सोख करके रखा था उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने यहाँ पर स्ट्रेन आउट कर लिया है, और अब कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून घी को हम लोग गर्म कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम काजू और मूंगफली को फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और अब हम लास्ट में फ्राई करेंगे किशमिश, इसे बस 5 से 6 सेकंड के लिए हमें फ्राई करना है और इसे निकाल लेना है हमें। तो यहाँ पे ये सब फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो थोड़ा घी दे सकते हो इसमें। और अब मैं यहाँ पे सारे जो होल स्पाइसेस थे मैं इसे थोड़ा देर के लिए फ्राई करने वाली हूँ। और अब यहाँ पे जाएगा जो ऑनियन पेस्ट हमने बनाया था, वो इसे डाल देना है यहाँ पे और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाना है। अनियन को मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अभी यहाँ पे मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था 1 टेबल स्पून, वो यहाँ पे मैं इसे डाल दूंगी। तो अब मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, यहाँ पे ऑयल ओज आउट होने लगा है। और अब हमारा मसाला मिक्स जो क्यूमन और कोरिएंडर पाउडर का हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो अभी हमें इसमें डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। और अब जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। बंगाली पुलाव, बासुंती पुलाव जो होता है इसमें हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जितना सिंपल होता है हमें उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अब हम डालेंगे यहाँ पे सोख किए हुए राइस, इसे मैंने अच्छे से और एक बार धो लिया था। इसे मसालों में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालूंगी मैं 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखा है और मैं इसे अभी 2 से 3 मिनट के लिए और चला लूंगी। तो अब हमें यहाँ पे पानी डालना है, तो मैंने यहाँ पे इसी ग्लास की मदद से लिया था 1 ग्लास राइस। आप जितना भी लोगे उससे 1.5 कप ज़्यादा देना आपको पानी, तो आप लोग भी उसी तरह से मेज़र कीजिए जैसा आप लोग चावल ले रहे हो उसी मेज़रमेंट से आपको पानी लेना है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अब मैं इसे ढक के पकाने वाली हूँ 4 से 5 मिनट तक, आप चाहो तो बीच बीच में चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बीच में मैं इसे चेक कर लूँगी एक बार और इसे फिर से अच्छी तरह से एक बार मिला लेना है हमें। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म करके यहाँ पे फिर से डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी सारे फ्राइड नट्स, कैशू नट्स और पीनट्स और किशमिश जो फ्राई करके रखा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखना है और फिर से मैं इसे ढक दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब चावल हमारी थोड़ी सी पक जाए तो यहाँ पर हमें डालना है नमक एज़ पर टेस्ट और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा है। नमक आपको पहले बिल्कुल नहीं डालना है, जब चावल हमारे आधा पक जाए तब हमें यहाँ पे इसमें नमक डालना है।
और यहाँ पे फिर से मैं इसे ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें चावल को चेक करना है और ज़रूरत पड़े तो इसे मिला लेना है। तो चावल हमारे अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है और अभी हमें इसमें डालना है शुगर, चीनी डाल देंगे हम यहाँ पे अभी। और अब हमें इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिला लेना है। और अब बस चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे हाई फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। तो यहाँ पे हमारा बंगाली बासंती पुलाव बिल्कुल रेडी है और अब इसे हम कर लेंगे सर्व। तो गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए और इस पुलाव को कीजिए इंजॉय। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे आलू दम के साथ भी इंजॉय कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल किचन टू द टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।